वेल स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिरोक एजुकेशन में। और आज के सेशन में हम लोग सेट थियरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो सेट थियरी में जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो सिंबल कौन से हैं और किस तरीके से उनका यूज है और उनके मीनिंग्स या उनके डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल्स को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये सिंबल कब और कहाँ यूज होगा, वो सब भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसमें एक चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कलेक्शन है 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 बार 3 है और 2 बार 4 है और 1 बार 5 है, तो उसको हम पूरा को ना लिख करके हम एक सेट बना लेंगे। उसमें लिखेंगे कि हमारे पास एक तरह का एलिमेंट 3 है, एक तरह का एलिमेंट 4 है और एक तरह का एलिमेंट 5 है। इस तरीके से हम एक सेट बना लेंगे। तो सबसे पहले कि सेट का जो सिंबल है, वो सेट का सिंबल है वो मिडिल ब्रैकेट है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट वन से, फर्स्ट से हम शुरू करते हैं ना, तो जो सिंबल आएगा वो मिडिल ब्रैकेट आएगा और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे दर्शाएगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये एक सेट है और इस सेट का जो सिंबल है उस तरीके का है और 3, 7, 9, 14 ऐसे लिखा हुआ है एग्जांपल में। फिर आता है इंटरेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये उल्टा जो यू है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन ये बताता है कि दोनों में कौन सा ऑब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर का जो सेट था और ए और बी जो ऊपर का सेट था उसमें अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो 9 और 14 दोनों में कॉमन है, तो उसको बता दिया यहाँ पे कि 9 एंड 14 आर इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी 9 और 14। फिर आता है यूनियन, तो यूनियन को यू से, यानी कि यू से दिखाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि दोनों सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए। तो आप समझ देख ही रहे होंगे, आसानी से समझ गए होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो भी सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको मिला दिया गया और एक सेट बना दिया गया। फिर आता है ए सबसेट, यानी ए सबसेट ऑफ बी। और फिर नीचे आता है ए प्रॉपर सबसेट और स्ट्रिक्ट सबसेट, ये दोनों में अंतर गया, इसको समझना है यहाँ पे। तो जो सबसेट है यानी कि ए सबसेट बी, तो सबसेट है लेस एलिमेंट और इक्वल टू द सेट, जैसे लिखा है इसमें लेस एलिमेंट होंगे चाहे इसके इक्वल होंगे। एग्जांपल में आप समझ रहे होंगे 9, 14 और 28 और इधर भी 9, 14 और 28। लेकिन जो ये प्रॉपर सबसेट है, इस प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जो बी है यानी कि जो बी सेट है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और जो ए सेट है उसमें कम एलिमेंट होंगे। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर नॉट अ सबसेट मतलब उसका सबसेट नहीं, यानी कोई एलिमेंट्स उसमें मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कोई सबसेट्स नहीं है। फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट है सुपर सेट का और प्रॉपर सुपर सेट का। तो सब सुपर सेट का मतलब ये हो जाएगा कि ए सुपर सेट है, मतलब ये पेरेंट है। ये 9, 14 और 28 इसमें भी एग्जाम्पल है और 9, 14 और 28 इसमें भी एग्जाम्पल है। फिर आता है प्रॉपर सुपर सेट। अब इसमें बता रहा है कि 9, 14 और 28 जो है ज़्यादा एलिमेंट है उसमें, यानी कि सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट है और सेट बी में कम एलिमेंट है। ये हो गया प्रॉपर सुपर सेट और स्ट्रिक्ट सुपर सेट। फिर नॉट सुपर सेट काफ़ी क्लियर है, इसमें उसमें कोई कोई एलिमेंट उसमें मैच नहीं कर रहा है और कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, इसलिए वो कोई सुपर सेट और सबसेट नहीं है। फिर आता है यहाँ पे 2 टू द पावर, यानी कि पावर सेट इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो पावर सेट यहाँ पे आ गया, तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए। फिर उसको और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ ब्रैकेट में आप ए लिख सकते हैं, यानी ये भी पावर सेट को डिनोट करेगा। फिर है ए इक्वल बी, यानी कि सेट ऑफ ए इक्वल टू बी, यानी जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में हैं और इक्वालिटी को यहाँ पे दर्शा रहा है। एग्जांपल में आप देख रहे होंगे 3, 9, 14 ए में भी एलिमेंट है और 3, 9, 14 बी में भी एलिमेंट है। फिर ए टू द पावर सी या ए टू सी लिखते हैं या बार दे देते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी कि इसको छोड़ करके। फिर ए ए बाई बी यानी रिलेटिव कॉम्पोनेंट, या ए माइनस बी, इन दोनों का मतलब ये है कि ए में जितने भी एलिमेंट है उसको हटा दीजिए बी से, तो ए माइनस बी इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे ए में एलिमेंट है 3, 9 और 14 और बी में 1, 2 और 3, तो ए में से बी को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9 और 14। मतलब जो एलिमेंट कॉमन नहीं है, सॉरी जो एलिमेंट कॉमन नहीं है उसको उसमें से उनको हटा देना है। मतलब ए और बी में जो कॉमन क्या था, 3 कॉमन था, यहाँ पे 3 को हटा देना है सिर्फ। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को यहाँ पे डेल्टा से और ये थीटा के तरफ से यहाँ पे डिनोट किया गया है। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये मतलब है कि जो भी इसमें क्या कहा जाए, जो भी इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि ए माइनस बी की तरह है, इसमें जो कॉमन था उसको हटा देते और इसमें भी जो कॉमन है उसको हटा करके यूनाइट कर दिया गया है यहाँ पे, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। फिर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर कर देता हूँ मैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सेट रिलेशनशिप है ये। जैसे अगर 3 बिलोंग कर रहा है ए में तो 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर नॉट एलिमेंट काफ़ी आसान है, उसमें कोई एलिमेंट अगर मैच नहीं कर रहा है तो कोई नहीं है एलिमेंट। ए और बी यानी कि ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड रिलेशनशिप है, यानी ऑर्डर्ड पेयर इसको लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स का। ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का।
फिर कार्डिनालिटी को दो तरीके से लिखेंगे, एक मॉडुलस फॉर्म में कार्डिनालिटी और एक हैज ए, इसमें आप देख सकते हैं दोनों को लिखने का तरीका। फिर आता है एल्पी, इन्फिनाइट कार्डिनालिटी को यहाँ पे डिनोट करता है। फाई से फिर एम्प्टी सेट आता है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको बोल देंगे कि ये एम्प्टी सेट है, यानी कि फाई है। फिर आता है यू, यानी यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज को इसमें रखा जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट हो जाएगा। एन, कैपिटल एन नॉट, यानी कि नेचुरल सेट है और जीरो, तो विथ जीरो आएगा नेचुरल सेट। फिर एन वन, यानी कि नेचुरल नंबर सेट है लेकिन विदाउट जीरो। नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको अंतर पहले से ही पता होगा। फिर आता है जेड, जेड है जो इंटीजर नंबर का सेट है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो सब ले लेंगे, इंटीजर उसी को कहते ही हैं। फिर आता है क्यू, यानी रेशनल नंबर आता है, तो रेशनल नंबर्स को क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, यानी। फिर आता है आर, ये रियल नंबर का एक सेट है, और सी से एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट है, तो ये नंबरिंग तो काफ़ी आसान है, यानी कि सी से कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, आर से रियल नंबर का सेट, क्यू से रेशनल नंबर का सेट, जेड से इंटीजर नंबर का सेट। जेड से अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, जेड से जेब्रा याद कीजिए, जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो सारे नंबर्स को ये कंटेन करेगा, तो ये है इंटीजर नंबर का सेट। बाकी सब तो आसान है, आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन सा सेट का क्या मतलब है, कौन सा जो सिंबल है उसका क्या मतलब है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी, और आपका रिविजन भी हुआ होगा, या फिर से आप इसको याद भी कर सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।